अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबर इज़ ज़ेबर्ट सोना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो आज मैं जो बना रही हूँ ना, बहुत ही इजी सा, मतलब नाश्ता भी बन जाएगा आपका, फिर लंच भी तैयार हो जाएगा और डिनर भी तैयार हो जाएगा। मतलब एक प्रिपरेशन से ना आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों तैयार कर सकते हैं। तो सोचिए कितना इजी सा और झटपट सा ये मैं रेसिपी बता रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ डोसा और इडली। तो देखिए, इसके लिए ना मैंने ले लिया है चावल, राइस ली हूँ, और फिर इसके अंदर मैंने उड़द की जो दाल होती है ना वो ली हूँ, और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी का दाना लिया है। तो मैंने चावल जो है ना वो 2 कप लिए हैं, तो जो उड़द दाल है ना वो आप 1 कप लेंगे। इसी तरह से है कि 2 कप आप चावल ले लें और 1 कप उड़द दाल, और थोड़ा सा मेथी, मतलब 1 टेबल स्पून आप मेथी का दाना डाल लें, जो येलो वाला मेथी होता है, और उसको ना भिगो के 2-3 आवर ना आप पहले रख दें। बस अब मैं ना रोहान को तैयार करने आ गई हूँ, इसकी वजह से ना सबका लेट हो जाता, तो मैं जल्दी से आई हूँ इसको ना कि मैं इसे नाश्ता खिला दूँ, वरना एक दिन मैंने कहा कि नाश्ता कर लो और वो छोड़ के चला गया था, तो मैं सोची कि मैं ही नाश्ता करा दूँ। मसाज करना चाहिए तो हेयर ग्रो होगा, कोई ऐसा हो गया ना, बोल पता है ना, हां बोल फ्रॉम देयर, हां बोल फ्रॉम देयर, यस यू टोल्ड मी ना दैट डे, व्हाट यू टोल्ड, ऐसे ऐसे लाइक लाइक अ बुली, ट्रीट लाइक एज अ बुली व्हेन एज अ लिटिल बेबी एंड आई एम स्टिल अ बुली। देखिए देखिए हम देखिए कर कैसे कैसे लग रहे थे, देखिए तो हम अच्छी क्रीम लगा, चल ला बुली को, और खराब बुली पूरी पूरी दिख रहा है, क्या बोले बुली, व्हाट बुली, हां इट लुक्स लाइक जो, हां इट लुक्स लाइक जो जॉन, हु इज जॉन, बुली यू कमिंग, आई एम डन ईटिंग। देखो ये देखो अच्छा नहीं लग रहा, ये इसको अच्छा नहीं लग रहा, देखो कैसे अच्छा ये आप कट किए हो यहाँ पे छोटा छोटा, देखो है ना, हाँ ये दिख रहा है, ये हेयर कट किया यहाँ से छोटे। और ना मैं यहाँ पर ना एक पॉट खरीद के लाई थी, तो वो बहुत दिन से रखा हुआ था, तो मैं सोची कि ना आज मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो ख़रीद के ना मैं रखी हुई हूँ और यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं आज ना मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर आपके पास सामान है ना तो आप उसको यूज़ करें, रखे रहने से ना फिर वो हमेशा ही रखा ही रह जाता है। तो जो चीज़ हो ना आपके पास तो उसको यूज़ करनी चाहिए, रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस आज मैं ना ये पॉट निकाल ली, तो यहाँ पर देखिए ये पॉट में ना जो इसका लीड था वो उसमें बस जो हैंडल था ना वो अलग से रखा हुआ था, तो बस उसको जोड़ना पड़ा है और बस हो गया। तो मैं आज सोची मैं आज ना उसी पे ही खाना, मतलब फूड, मतलब सर्व करूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ना फर्मेंट हो गया है, देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है। तो असल ना अगर आपको डोसा इडली बनाना है ना तो उसका फर्मेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इससे ना आपका जो इडली और डोसा है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो इससे ही पता चलेगा, जब भी आप अगर आप इस तरह से खोल के देखेंगे ना और आपको दिखेगा कि ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया है, तो इसके मतलब कि आपका जो इडली और डोसा है ना वो बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना तवा को पहले ना पानी आप थोड़ा सा छीट के उसके ऊपर से अच्छे से उसको पोंछ लें, और फिर इस तरह से ना इस पर आपको ना स्प्रेड कर देना है बैटर। तो डोसा, मैं जो डोसा बना रही हूँ ना, तो मैं इस डोसा के अंदर ना जो बॉयल एग हो उसको मैं बॉयल एग को ग्रेट करके डालूँगी, और इसके अंदर मैं चीज़ डालूँगी, तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ऐसे तो डोसा बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फिर प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, सारा चीज़ जो है ना डोसा के अंदर होता है। आप तो सुने ही होंगे कि डोसा जो होता है ना वो बहुत हेल्दी होता है। तो और ये तो साउथ इंडियन फूड है जैसा कि आपको पता है, तो ये बहुत ही मतलब ना अच्छा फूड माना जाता है,
जैसे कोई वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी डोसा खाते हैं। जो डोसा है ना वो आपके मतलब ना आपके फूड को जल्दी से ना डाइजेस्ट कर देता है, और आपको ना एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलता है और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी करता है जो डोसा होता है। इसलिए मोस्टली ना मतलब वेट लॉस में ना आपको कहा जाता है कि डोसा खाएं। तो डोसा जो है ये बहुत ही इजी सा मतलब झटपट सा बनने वाला नाश्ता भी कह सकते हैं, डिनर भी कह सकते हैं, लंच भी कह सकते हैं। मतलब एक मतलब ना मैं देखी तैयार की और उससे मैं बनाऊंगी अपना जो लंच है ना वो भी मैं तैयार इससे ही करूंगी। तो सोचिए मतलब एक बैटर से मैं कितने सारा चीज़ मतलब लंच भी तैयार कर लूँगी, तो कितना इजी सा और कितना हेल्दी सा नाश्ता ना तैयार हो जाएगा। ये जो डोसा है ना मैं बच्चों को ना टिफ़िन में डाल के दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर चीज़ भी डाल दी और अंडा भी, क्योंकि अंडा भी जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के सबके लिए एक अंडा तो इम्पॉर्टेंट होता ही है कि आपने पूरे दिन में ना एक अंडा ज़रूर खाएं। और फिर जो बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते, स्कूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर चीज़ वगैरह भी डाल दिए, एग भी डाल दिए। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड मतलब बन गया। और देखिए साथ में घी भी है, वो भी डल जाता है, इसलिए इसे ना मतलब सबसे हेल्दी फूड माना जाता है साउथ इंडिया का। तो बस ये देखिए इस तरह से ईजी सा बन गया, और मैंने इसके ऊपर ना टमाटो सॉस डाल दिए, तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा टाइप में भी लग रहा था, तो मगर वो जो खाने का टेस्ट था ना बहुत ही अच्छा, और मतलब बच्चे भी ना इजी से खा लिए झटपट से। तो ऐसा लगा कि जो मैं बनाई ना तो बच्चे भी बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा ये वाला नाश्ता। तो इस तरह सा नाश्ता ना आप लोग भी अपने मतलब मॉर्निंग में रखिए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है। तो सबको इस तरह का नाश्ता ना मतलब चेंज कर करके खाया करें तो अच्छा भी होता है, और एक दिन मतलब इसी तरह का साउथ इंडियन फूड रखें। मैं जैसे मैंने कहा था ना कि मैं हर तरह का फूड मतलब बनाती हूँ, मैंने उससे पहले गुजराती फूड बनाई थी और आज मैं साउथ इंडियन फूड बना रही हूँ। अगर जो हेल्दी फूड हो ना तो वो यूज़ करें, वो बनाएं और अपने डाइट में डालें। तो डाइट में इस तरह का खाना ना रखना चाहिए। तो ये देखिए डोसा जो है ना वो मेरा रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोहन इधर देख के जाना, गिर जाके उधर क्या देख रहे हैं आप? चलो और बस यहाँ पर मैं आ गई अपने कैट को भी नाश्ता देने, उसका भी टाइम हो गया था। वो मेन अपने टाइम पे ना दरवाज़े पे आके खड़ी हो जाती, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो दरवाज़े पे ना खड़े रहती है, कि उसको पता होता कि अब हम लोग आएंगे और दरवाज़ा खोलेंगे तो वो सीधा ना हमारे फ्रंट से सीधा बैक गेट पे आ जाती है, और उसको पता है कि उसको नाश्ता मिलेगा। तो फिर वो मैंने ना कैट को भी नाश्ता दे दी हूँ और बस यहाँ पर मैं जा रही हूँ कपड़ों का। मैंने वॉशिंग मशीन को भी ना सुबह सुबह सबसे पहले ऑन कर दी थी, तो देखिए कपड़ा भी ना जल्दी से हो गया रेडी और अब बस मैं इसको सुखा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर ना अब मैं आ गई हूँ लंच को तैयार करने के लिए। तो लंच में मैं यहाँ पर ना अब सांभर बना रही हूँ, तो सांभर में ना मैं ऑयल डाल ली हूँ, और ऑयल डाल के अंदर ना इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर इसके अंदर ना सांभर के लिए आपको इसके अंदर जितनी वेजिटेबल्स होते हैं ना आप वो डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हो तो वो आप डालें। तो जैसे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑनियन, उसके अंदर मैं कट करके डालूँगी, और फिर इसके अंदर कैरेट और पोटैटो रखा हुआ है तो वो पोटैटो डाल दूँगी, टोमेटो डाल लूँगी, और फिर करी लीव्स। ये जो है ना आप सारा इसके अंदर डाल के ना, अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हो वो डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये सारा ना इसके अंदर डाल के, और थोड़ा पानी और सॉल्ट, और मेरे पास सांभर पाउडर रखा हुआ है,
तो वो मैं डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके ना फिर इसको पकाऊंगी। तो कुकर में क्या होता है कि इजी से ना एक दो विसल में ना ये तैयार हो जाएगा झटपट सा हमारा सांभर। और ये भी बहुत अच्छा मतलब हेल्दी है, क्योंकि आप देखिए ये दाल, इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करें, दाल। तो दाल जो होता है, कोई भी लेंटिल जो दाल यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसके अंदर भी दाल है, तो ये भी बहुत ही हेल्दी हुआ। और करी लीव्स भी जो है ना, वो भी अपने डाइट में ना यूज़ किया करें, बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सांभर पाउडर है जो रेडीमेड है, तो बस वो डाल दी, तो हमारा जो झटपट सा सांभर है ना वो रेडी हो जाएगा। और बस यहाँ पर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और फिर इसमें सॉल्ट, बस ये डाल के ना आप इसको विसल लगा लें। तो बस अब मैं ना यहाँ पर इडली बनाने जा रही हूँ। तो इडली के लिए ना ये इस तरह का पॉट आता है, तो ये मैं ना इंडिया से लेके आई थी। तो ये ना मतलब इसमें ना मैं बहुत सारा इडली बना सकती हूँ। इसमें देखिए बनाने का ये शेप दिया हुआ ना, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, मेरा ना 6 जनवरी 24 इडली ना आराम से ना इसमें बन जाएगा। तो मेरा एक साथ ना आराम से मैं 24 इडली बना लूँगी। तो मेरा जो लंच है, मतलब हमारी फैमिली बड़ी है तो मतलब इजी है, एक बार में आप ना अपना लंच इडली जो है वो तैयार कर लेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया था और इस तरह से ना डाल देना है। तो जो आप ना इडली का जो बैटर रखना है ना, वो जो आपको थोड़ा थिक रखना है। और जो मैं डोसा बनाई थी ना, तो मैं उसके अंदर थोड़ा पानी मिला ली थी, क्योंकि उसका जो लिक्विड है ना वो थोड़ा लिक्विड टाइप का रहेगा, थिक नहीं रहेगा, लिक्विड रहेगा। और इडली का जो है ना वो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिए कुकर का भी जो दाल है ना वो भी तैयार हो गया। और ये देखिए मेरा इडली, मैंने पहले आपको ना सिर्फ एक ही डाल के दिखाने के लिए इस तरह से बना के दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट सा ना इडली रेडी हो जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी मैं डाल के ना, और यहाँ पर देखिए मैं इडली तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से मैं सारा इडली जो है ना वो तैयार कर लूँगी। और जब हम लोग ना, और एक बात मैं बताती हूँ, जब हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं चावल और दाल को, तो जब आप ग्राइंड करेंगे ना, तो उसमें उस वक्त ना नमक नहीं मिलाना, क्योंकि उस वक्त आप जब नमक मिला लेंगे ना तो ये अच्छे से ना फर्मेंट नहीं करेगा। आपको फर्मेंटेशन के लिए ना इसके अंदर सॉल्ट जो है ना, वो जब आप कुक करते हैं, पकाने का टाइम आएगा तब उस वक्त आपको ना सॉल्ट डालना है, पहले नहीं डालना है। तो बस ये देखिए गर्मा गर्म इडली जो है ना ये हमारा रेडी हो गया है। और इसी तरह से ना मैं सारा जो इडली है ना वो रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि आज जो मेरा लंच है ना यही है, और मेरा जो डिनर है ना वो भी मेरा डोसा होगा। तो वो जो डोसा मैं बना रही हूँ ना डिनर के लिए, तो डिनर में भी मैं सिर्फ इसमें जो स्टफिंग कर रही हूँ ना, तो मैं आलू का स्टफिंग करूँगी, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है आलू का। तो आलू के अंदर ना मैं बस उसके अंदर भी प्याज और पीनट वगैरह वो डाल देती हूँ, और आलू को मैश करके वो मिक्स करके और इसके ऊपर स्टफिंग में डाल लें। तो ये देखिए जैसे मैंने एग स्टफ़ किया था अभी आपको, मैंने जैसे बच्चों को दिखा बना के दी थी, तो इसमें मैंने स्टफिंग में एग और चीज़ डाली थी। इसी तरह से रात के डिनर के लिए ना मैं स्टफिंग में पोटैटो डालूंगी, तो और सांभर यूज़ करूँगी। और चटनी मैं कोकोनट की चटनी जो है ना वो बनाऊँगी। अभी दोपहर में मैंने चटनी वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे उतना चटनी उतना मेरे घर में नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं चटनी नहीं बनाई। मगर देखिए मेरा जो इडली है ना, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल बाजार जैसा ही बन गया। तो मतलब थोड़े से मतलब ना देखिए, थोड़ा सा मैं चावल ली थी, 2 कप चावल और 1 कप दाल से ना, मतलब देखिए कितना ज़्यादा खाना बन गया है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि मेरा ये डिनर भी हो रहा है, लंच भी और ब्रेकफास्ट भी हो रहा है। ये तीनों चीज़ मेरा इतना सा ही मतलब चावल और दाल से सारा खाना जो है ना मेरा तैयार हो जा रहा है। और ये रियली वेरी हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और आपको ना जो वेट लॉस कर रहे हैं ना वो भी ये खाएं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि किसी दिन इस तरह का भी फूड ना आप लोग ज़रूर खाएं, क्योंकि देखिए बहुत ही मतलब आप तो देखे होंगे कि इसमें ऑयल भी मतलब डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जो घी वगैरह वो भी ना यूज़ करें डोसा में, पर थोड़ा बहुत जो घी भी जो आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो थोड़ा हम डाल लेते हैं। और सांभर जो है वो उसमें भी मैंने, आप जैसे देखे, सिर्फ मैंने जो सांभर है ना
उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, अदरवाइज मतलब इस पूरे खाने में कोई ऑयल ही नहीं गया। मतलब आप सुबह से लेके डिनर कर रहे हैं और बहुत ही ज़ीरो ऑयल में आपका खाना बन जा रहा है। तो ये बहुत ही हेल्दी फूड है, आप सब ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए लंच टाइम है ना, तो मैं कैट को भी लंच दे दी। और ये देखिए ये है करी लीव्स जो मेरे बैकयार्ड में ना इसका पेड़ लगा हुआ है, तो बस मैं यहाँ से हमेशा यूज़ कर लेती हूँ, कभी दाल में डाल के तो कभी सांभर में डाल के। तो ये भी करी लीव्स भी ना बहुत हेल्दी होता है। तो बस देखिए यहाँ पर ना ऑयल में मैंने हींग डाल दिया है, फिर यहाँ पर मैं राई दाना जो बोलते हैं ब्लैक वाला वो डाल दे रही हूँ, और फिर इसके अंदर जो करी लीव्स है जो मेरे घर का ही है फ्री वो डाल देना है, और इसमें रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, बस इसको डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप ये ऑप्शनल में है, अगर आप कोकोनट अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर कोकोनट डालें, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ना इसमें कोकोनट डालती हूँ। अगर आपके पास जो फ्रेश कोकोनट होता है ना वो डालेंगे ना तो उससे और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इमली डाल दी हूँ, अगर आपको खट्टा पसंद है तो इमली डाल लें, और अदरवाइज़ आप टमाटर अच्छे से ज़्यादा डाल लेंगे ना तो वो खट्टा ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सना सांभर मेरा रेडी हो गया है, और जो मेरा रूहान है ना आज बहुत हैप्पी था कि इस तरह का फूड मुझे मिल रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि फ़र्स्ट टाइम खा रहा है, बट एक्चुअली मैं इडली इतना बनाती नहीं हूँ यहाँ पर, तो इसे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची कि अब ना मैं डेली यही इडली ज़रूर बनाया करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगा। कैसा है इडली? I don't know. It's magnificent. Magnificent. It's good. हाँ? Magnificent means it's good. So it's tasty बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं. Tasty means magnificent. Magnificent means it's more tasty. More tasty as you never even tasted it before. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन होगा वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब